उत्तर भारत के प्रमुख श्री वैष्णव पीठ उत्तर तोदाद्री श्री गलताजी में गलता पीठाधीश्वर स्वामी अविदाशाचार्य महाराज के पावन सानिध्य में रामनवमी महोत्सव मनाया गया। गलता पीठ के युवराज स्वामी राघवेंद्र ने बताया कि उत्तर तोदाद्री श्री गलताजी में गलता पीठाधीश्वर स्वामी अविदाशाचार्य महाराज के पावन सानिध्य में चैत्र नवरात्र के 9वें दिन 17 मार्च को श्री गलतापीठ में पूर्ण श्रद्धा और भव्यता के साथ श्री रामनवमी के पावन अवसर पर भगवान श्री राम का जन्म महोत्सव मनाया गया। इसके तहत 500 वर्ष से भी अधिक प्राचीन श्री रामलला के चतुर्भुज विग्रह की सुबह श्री गलतापीठ से श्रीनिवास के बालाजी तक विधि विधान से शोभा यात्रा निकाली गई। श्रीनिवास के बालाजी में भगवान की आरती की गई। श्री रतन जी मीना राजेश ने सभी के लिए फलहार आदि की व्यवस्था की। इसके पश्चात शोभा यात्रा पुनः गलतापीठ पहुंची एवं गलतापीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज ने भगवान की कुंभ आरती की। राघवेंद्र ने बताया कि दोपहर 12 बजे भगवान श्री राम का 21 गर्जनाओं के साथ जन्म हुआ। इसके पश्चात गलतापीठाधीश्वर स्वामी अविदाशाचार्य महाराज एवं युवाचार्य स्वामी राघवेंद्र महाराज द्वारा श्री गलतापीठ में विराजमान भगवान श्री राम के अति प्राचीन एवं दिव्य विग्रहों का विद्वानों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ फलों फलों के रसों पंचामृत सर्व औषधि पंचमेवो समस्त द्रव्यों शस्त्र धारा शंख चक्र आदि से तिरुमंजन अभिषेक किया गया। इसके पश्चात भगवान का आकर्षक श्रृंगार किया गया। इसके पश्चात भगवान की सामूहिक आरती की गई। तदुपरांत गलतापीठाधीश्वर स्वामी अविदाशाचार्य महाराज ने श्री गलता में विराजमान सभी विग्रहों की आरती की।